त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। यूपी बोर्ड हाई स्कूल रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। हाई स्कूल में कुल 88.18% परीक्षार्थी सफल हुए। वहीं कानपुर नगर के प्रिंस पटेल अनुभव इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र ने हाई स्कूल में 600 में से 586 अंक प्राप्त कर टॉप किया और माता पिता का नाम रोशन किया। इस मौके पर छात्र ने परिवार में खुशी की लहर देखने को मिली। यूपी बोर्ड हाई स्कूल के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसके जो रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि लगभग 88% जो बच्चे हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। वही अगर बात की जाए तो जो बालक है उनका जो अगर देखा जाए तो 85% पाए हैं। वही बालिकाओं की अगर बात की जाए तो 91% पास हुई है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हम एक निजी स्कूल में है जहाँ जो बच्चे पास हुए हैं उन्हें फूल मालों से स्वागत किया गया है। साथ ही साथ उन्हें पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया गया है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम बच्चों के चेहरों पे खुशी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आया है 89% नजर आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले आपको नाम बता दें। अच्छा, रिजल्ट आ गया है, क्या महसूस कर रहे हैं आगे की तैयारी? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और डॉक्टर बने। बहुत बहुत बधाई। बेटा आपका क्या नाम है? बालिकाओं ने 91% नंबर आया। साथ ही यहाँ तमाम बालिकाओं ने भी अच्छे नंबर आए हैं। क्या कहेंगे, कैसे तैयार किया इन बच्चों को? नहीं, इन बच्चों ने खासतौर पे छात्राओं ने और जितने सफल बच्चे हैं सबने बहुत मेहनत किया है। बट नेचुरल की उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि जो आज इतना अच्छा रिजल्ट आया। ये बच्चे इतने खुश हैं, इनके पेरेंट्स इतने खुश हैं और ये हमारे बच्चे हैं इसलिए हम तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ऐसे में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। तो हमारे साथ वो मौजूद थी जो इन बच्चों पे मेहनत करके और आज उनका जो रिजल्ट आया उसमें कहीं ना कहीं अध्यापकों का भी एक योगदान रहता है। इसी क्रम में हम कुछ और बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि आगे चल के वो क्या करेंगे। अच्छा बेटा, आप अपना नाम बताएं। अच्छा सृष्टि, आपके आज रिजल्ट आए हैं, आप अच्छे नंबरों से पास हुई है, आगे क्या करेंगे और कैसे तैयारी की? जी, तो इस वक्त मैं एक निजी विश्वविद्यालय कॉलेज में मौजूद था जहाँ तमाम छात्र चेहरे पे आप खुशियों से देख सकते हैं कि रिजल्ट से कहीं ना कहीं वो खुश नजर आ रहे हैं। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSP की ओर से 10वीं और 12वीं दोनों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और नतीजे घोषित होने के बाद से ही हर तरफ छात्रों और अभिभावकों में उत्साह और खुशी का माहौल है। वहीं अगर पिछले एक दशक की बात करें तो इस बार यूपी बोर्ड के परिणाम सबसे बेहतर रहे। इस मौके पर प्राइम टीवी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुख्य सचिव आराधना शुक्ला से बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम आ चुके हैं, हमारे साथ बात करने के लिए आराधना जी हैं, सही बात करते हैं। मैम, किस तरह से आप देखती हैं इस बार की बोर्ड के एग्ज़ाम को? काफ़ी हद तक एग्ज़ाम अच्छा हुआ और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? इस बार एग्ज़ाम बहुत शांतिपूर्ण हुआ, बहुत सकुशल संपादन हुआ और सब इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। उनकी प्रेरणा से माननीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में ये परीक्षा इस बार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की बहुत ही शानदार रूप से संपन्न की गई। मैम, इस बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है, 10th में भी 12th में भी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सरकार का इस पे निरंतर बल रहा है, मुख्यमंत्री जी इस पे हमेशा बल देते हैं कि बालिका शिक्षा पे हम लोग को सुधार करना है और मुझे लगता है कि ये सीधा इम्पैक्ट और सीधा प्रभाव दिख रहा है कि जो बल माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार देती है बालिका शिक्षा में उसके कारण हुआ है। मैम, मूलतः ये देखा जाता है कि जो बच्चे अभिभावक या बच्चे हों वो पास नहीं हो पाते हैं तो वो कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी क्या संदेश रहा है, क्या देना चाहेंगे? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस बार सफल नहीं हो पाए, वो अपने मन मुताबिक अंक नहीं ला पाए, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है बाय एंड लार्ज कि जिस प्रकार से बच्चों ने एक्सपेक्ट किया उस प्रकार के ही अंक आए हैं, क्योंकि टीवी पे बहुत सारे ये रिस्पॉन्सेज आ रहे थे बच्चों के जो इंटरव्यू लिए जा रहे थे कि उन्होंने जो घर में जाकर के अंक जोड़े थे लगभग उसके आसपास आया।
जो बच्चे जो टॉप किए हैं उनको लगता है कि उनको शायद 1-2% और मिल जाता है, उनको ऐसा लगता है, पर वो तो स्वाभाविक है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा किया और मुझे बहुत खराब अंक मिले। लगभग लगभग जिस प्रकार का उनने प्रयास किया उसी प्रकार के उनको अंक लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई निराशात्मक हम लोग ने कोई परिणाम आज घोषणा की है। मैं मेधावी बच्चों के लिए, जो बच्चे खूब अंक लाए हैं, टॉप किए हैं, उनके लिए एक शब्द बता दें। जितने बच्चे जो इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, मैं उन सभी बच्चों को, सभी बच्चे जो इसमें उत्तीर्ण हुए हैं, उनके लिए विशेष बधाई और शुभकामनाएं और बहुत आशीर्वाद उनके अभिभावकों के लिए, उनके शिक्षकों के लिए, प्रधानाचार्यों के लिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, सब बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं सबको बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। जो बच्चे किसी कारणवश इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी, जीवन में बहुत मौके होते हैं, प्रयास करते जाएं, उनको अंत में ज़रूर सफलता हासिल होगी। ठीक है मैम, धन्यवाद। ये थी हमारे साथ आराधना जी, जिन्होंने बताया कि जो बच्चे सफल नहीं हो पाए हैं उन्हें निराश नहीं होना चाहिए और जो बच्चे अच्छे अंक लाए हैं उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कैमरा मैम शुभम के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी। यूपी बोर्ड के 10वीं क्लास के रिजल्ट में कानपुर के घाटमपुर के अनुभव इंटर कॉलेज के प्रिंस पटेल मेरिट लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया। प्रिंस को 97.66% नंबर मिले हैं। गणित और विज्ञान में पूरे नंबर यानी 100-100 अंक मिले हैं। प्रिंस के पिता अजय कुमार पेशे से किसान है। परिवार फतेहपुर के सठीगवा के पास इब्राहिमपुर गाँव का रहने वाला है। क्या चाहते हैं, आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं नियम अधिकारी बनना चाहते हैं। अच्छा, कितनी मेहनत करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? पढ़ाई में घंटे ज्यादा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखते, लेकिन जो मतलब पढ़े वो गंभीरता से पढ़े, यही सब ज्यादा है। घंटे से कोई मतलब नहीं कि 6 घंटे पढ़े कि 10 घंटे पढ़े, वही बस ज्यादा नहीं है, लेकिन 5 घंटे वही अपने सेल्फ स्टडी करते थे और 6-7 घंटे स्कूल पढ़ाई होती थी। उत्तर प्रदेश 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार भी छात्राओं ने छात्रों को पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की रहने वाली दिव्यांशी ने 12वीं में टॉप किया है। दिव्यांशी को 95.40% अंक मिले हैं। 500 में से 477 अंक दिव्यांशी ने हासिल किए हैं। वही दूसरी तरफ दिव्यांशी की बहन के कम नंबर आए, इसलिए दिव्यांशी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई और कहा कि कॉपी दोबारा चेक कराया जाए, जबकि हमें खुशी मिलेगी। जय माँ सरस्वती, ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज स्कूल में खड़े हुए हैं और ये दिव्यांशी जो इंटरमीडिएट की छात्रा है उसने प्रदेश में पहला स्थान पाकर टॉप किया है। हमारे साथ दिव्यांशी के पिताजी बात करने के लिए मौजूद हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत गर्व है हमको बच्चियों से। बच्ची प्रदेश में स्थान लाई है और उसकी मेहनत और हमारी मेहनत और उसकी मम्मी की मेहनत और गुरुजनों की मेहनत सब सफल हुई। प्रथम स्थान पाने वाली छात्रा दिव्यांशी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे दिव्यांशी, कैसा महसूस कर रही है? आपने प्रदेश में पहला स्थान पाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम इसका योगदान सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने नकलबी परीक्षा कराई है सर, लेकिन हमें उनसे कुछ शिकायतें भी हैं। हमारी बड़ी हमारी सिस्टर पलक है, उसके मार्क्स उनकी जो उनका जो शिक्षा विभाग है उसने अच्छे से उनके नंबर नहीं चढ़ाए हैं। जो हिंदी की कॉपी है उन्होंने अच्छे से चेक नहीं की है। अब उनसे वे हमारे साथ पढ़ती थी, वे बहुत ही अच्छी है पढ़ने में। आपसे निवेदन है कि आप उसकी कॉपी तुरंत रिजेक्ट कराएं, क्योंकि नहीं तो वे हमारे साथ हमारे खुशियों से वंचित रह जाएगी। आप सब तक अपनी भी आवाज़ नहीं पहुंचा पाएगी, वे नहीं बता पाएगी कि उसने कैसे पढ़ाई की, उसने क्या स्ट्रगल किया, आप उसके विचारों को नहीं जान पाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सरदार पटेल इंटर कॉलेज का छात्र आस्था तिवारी को प्रदेश में 10वां रैंक मिला है। वहीं आस्था तिवारी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों को दिया। आपको बता दें कि प्रयागराज के सरदार पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्रा है आस्था तिवारी। मेरा नाम आस्था तिवारी है, मैं सरदार पटेल इंटर कॉलेज सिकरो कनाव इलाहाबाद में पढ़ती हूँ। मेरा हाई स्कूल में यूपी में 10वां रैंक आया है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सफलता का श्रेय सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को
उसके बाद स्कूल में टीचर्स को, प्रिंसिपल सर को, जो कि बहुत मेहनत किए हैं। खबर औरैया से है, जो हाई स्कूल का रिजल्ट आते ही बच्चों में खुशी देखने को मिली। वहीं औरैया जिले में गोपालगंज गोपाल इंटर कॉलेज के हाई स्कूल के बच्चों ने 586 नंबर पाकर कॉलेज का गौरव बढ़ाया। वहीं जब बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने इसका श्रेय अपने गुरुजनों को दिया। हम आगे फिलहाल तो नीट क्रॉस करना चाहेंगे और इसके बाद MBBS करना चाहेंगे। हमारे टीचर्स हैं, स्कूल के सभी स्टाफ को हमारी तरफ से सभी ने अच्छा किया, हमें पढ़ाया क्यों सही। अब यहाँ पर अच्छी एजुकेशन है, इन्हीं लोगों ने पढ़ाया है। क्या बनना चाहेंगे अभी तो कोई डिसाइड नहीं किया। IIT यूपी की हाई स्कूल की 2020 की बोर्ड परीक्षा में वहाँ यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके लिए हमारे बच्चे बहुत बहुत इस बात उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात के लिए हम अपेक्षा करते हैं आगे इंटर की परीक्षा में इससे भी ज़्यादा अंक प्राप्त करें। प्रतापगढ़ के गोपालपुर गांव का एक मामला सामने आया है, जहां युवक ने साकेत गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव पर आरोप लगाया है कि स्कूल और घर में पेंटिंग का काम करवाया और मजदूरी का पैसा मांगने पर प्रबंधक ने छत से धक्का दे दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और पीड़ित युवक अस्पताल में भर्ती है। सर 19 फरवरी दिन शनिवार को फोन करके हमको बुलाए कि आके नाप कर लो, नहीं दोबारा आना मत, ना तो मैं पैसा दूंगा ना तो फिर दोबारा मेरे स्कूल में आना। उसके बाद सर मैं आया और मेरे साथ मेरा सार था और उनका दोस्त भी था। तो प्रबंधक साहब हम मतलब चारों लोग छत पे गए नाप करने के लिए, तो प्रबंधक साहब मेरे पास नहीं एकदम थे और मेरा सार दूसरी तरफ था, मैं इस तरफ था किनारे की तरफ और प्रबंधक साहब मेरे पास थे। तो जो मेरे सार के साथ दोस्त आया था उनका, उसके नंबर पे फ़ोन आया तो बात करने लगे, दोनों आपस में बात करने लगे। फिर हमने कहा यार नाप कर लो उसके बाद बात करना। जैसे मैं इंची टेप लगाने के लिए पीछे घूमा, प्रबंधक साहब ने मुझे धक्का दे दिया। उसके बाद मैं गिरा, बेहोश हो गया, मुझे अस्पताल ले गया, ट्रीटमेंट करवाया, सुई वगैरह लगा। खबर मुरादाबाद से है, जहाँ के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा संस्कृति ठाकुर ने 600 में से 585 नंबर लाकर दूसरा स्थान हासिल किया। इस मौके पर छात्रा के परिवार में खुशियों की लहर दौड़ी। वहीं परिवार सहित रिश्तेदारों ने छात्रा और छात्रा के माता पिता को शुभकामनाएं दी। नाम संस्कृति ठाकुर है। संस्कृति, आज किस चीज का आपका रिजल्ट आया? मेरा हाई स्कूल का रिजल्ट आया। कितने नंबर आपको मिले हैं? मेरे 66,000 में से 585 मार्क्स मैंने किए। बेटा क्या सपना है आपका, क्या बनना चाहती हैं? सर मैं IAS बनना चाहती हूँ। खबर कानपुर से है, जहाँ के घाटमपुर के रहने वाले प्रिंस पटेल ने नंबर 1 पर और शिवाजी इंटर कॉलेज की छात्रा किरण कुशवाहा ने 10वीं में दूसरे नंबर पर टॉप कर कॉलेज का नाम रोशन किया, जिसके बाद छात्रा ने परिवार में खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं इस कामयाबी के लिए किरण ने अपने माता पिता और टीचर को श्रेय दिया। सर सभी लोगों को तो आशा ये उम्मीद थी, मुझ पर प्राउड था कि मैं आऊँगी टॉप करूँगी। सभी को आशा थी और सभी ने लोगों ने मेरा फुल सपोर्ट किया था। सर मुझे बहुत खुशी मिली और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि सब लोग कितने खुश हैं। खबर बलिया से है, जहां CGM कोर्ट में हल्दी थाना के दरोगा और अधिवक्ताओं के बीच कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि CGM कोर्ट में पहुंचे हल्दी थाना क्षेत्र के दरोगा ने विवाद में अधिवक्ताओं पर सर्विस रिवाल्वर तान ली, जिसके बाद नाराज अधिवक्ताओं ने घटना के विरोध में जमकर हंगामा किया। डॉक्टर निवेन रैन सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन, आज की यह घटना जैन द्वितीय के न्यायालय में राधे श्याम सरोज हमारे कैंपस के दो अधिवक्ताओं अखिलेंद्र चौबे और विवेकानंद पांडे से उनसे कुछ बात होने लगी। इन लोगों ने कहा कि आप ये कुर्सी छोड़िए, बैठने दीजिए, और इस पर विवाद पैदा हुआ और उस विवाद पर वह दरोगा जो है रिवॉल्वर निकाल के और इन लोगों पर फायर करने की नीयत से
तान लिया। अधिवक्ताओं ने वहाँ पहुंचकर किसी तरह से बीच बचाव किया। से है जो विश्व योग दिवस के पूर्व कस्बा ही नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में योग प्रशिक्षण देकर क्षेत्र की जनता को योग से जोड़ने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें किसी क्रम में एरवा कटरा के शहीद शिवपाल सिंह स्कूल में होम्योपैथिक डॉक्टर सीमा जोशी के द्वारा शिविर लगा। इस मौके पर उन्होंने योग का प्रशिक्षण देने के साथ योग से होने वाले फायदे को भी बताया। वही मौके पर ग्राम प्रधान चंद्रशेखर गुप्ता के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। एक फर्जी तरीके से विद्यालय चलाया जा रहा है जिस विद्यालय का नाम है पूर्व माध्यमिक विद्यालय पूरब गांव सरेसर के नाम से। उस विद्यालय को फर्जी मान्यता दी गई। उस विद्यालय के नाम कोई जमीन नहीं है। विद्यालय कहां संचालित किया जा रहा है, किस तरीके की जमीन पर? गाटा संख्या 136 नवीन पर्ती पर। कितने दिन विद्यालय चल रहा है? 1979 से विद्यालय चल रहा है। तो अभी तक आप लोग शिकायत नहीं की? कई बार शिकायत किया लेकिन कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। ये तो नहीं हुआ, उल्टे उन लोगों ने मेरे ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में सरकारी जमीन पर एक निजी विद्यालय संचालित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से कर विद्यालय की मान्यता खत्म करने और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। वही ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कार्यवाही नहीं की गई। इसमें जारी चुनावी कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज 33 KV सब स्टेशन पावर हाउस सेक्टर 68 IMT में हमारा जो आज है त्रिवार्षिक कर्मचारी चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे बीच में आज प्रदेश महासचिव सुरेंद्र घटाना जी मौजूद रहे, राज्य कमेटी से प्रधान जगदीश जी और चेयरमैन हमारे रईस यादव जी बतौर चुनाव अधिकारी थे। हमारी फरीदाबाद की जो 52 पदाधिकारियों जो 4 यूनिटें हैं उन पर आज ये चुनाव हुए हैं, जिसमें सभी कर्मचारी ने फरीदाबाद के सभी कर्मचारी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपने भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए चारों यूनिटों के प्रधानों की और उनके साथ जो बनने वाली कार्यकारी कमेटी है यूनिट वाइज उनका गठन किया है। खबर फरीदाबाद से है जहां हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड वर्कर यूनियन के बैनर तले फरीदाबाद सर्कल की चारों यूनिट में सचिव पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से सचिव चुने गए। बता दें ये चुनाव कार्यक्रम IMT के हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड के कार्यालय पर आयोजित किया गया। कुछ भी नहीं, खाना लेके आया था अपनी दीदी के लिए। अच्छा, बैठ गया। दीदी क्या करती है? दीदी कॉस्मेटिक की दुकान पे काम करती है। कॉस्मेटिक की दुकान पे? हाँ। उनकी क्या उम्र है? अरे है ही गई 18 साल। 18 साल की दीदी। ये बच्चा कितने साल का है? 14-15 साल। ये काम नहीं करता? नहीं, काम हम नहीं करता है। खाना लेके आया था अपनी दीदी के लिए। अच्छा, इसको पुलिस उठा लाई? वही बैठ गया 2 मिनट के लिए। मुझे क्या पता चला है, मार्केट में काम कर रहा बच्चा। अच्छा, उसी के पास छोड़ दिया। अभी पापा खत्म हुए थे, मैंने दुकान पे छोड़ दिया। बेटा तू यहीं पे रहा। अच्छा, ना उसकी मम्मी है ना उसका पापा, मैं नानी हूँ। अच्छा, मम्मी पापा नहीं है? कोई नहीं है उसका। 2 साल की उसकी माँ मर गई, मैं ही पालती थी उसको। अब बच्चे मेरे रोटी कब रोटी दे सकते है ना, बच्चे लगते कपड़े में। बेटा तू कहीं काम पे लग जा। बस ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जिसमें चाइल्ड लेबर इंस्पेक्टर, CWC, BCW स्टाफ, चाइल्ड लाइन और AH2 SCB फरीदाबाद, चारों टीमों ने मिलकर के ये ऑपरेशन किया है। इसमें 1 नंबर मार्केट से 10 बच्चे बाल श्रम करते हुए रेस्क्यू किए हैं अलग अलग दुकानों से, जिनकी अलग अलग उम्र हैं, 12 से लेकर के 16 साल तक के बच्चे हैं। से है जहां थाना क्वारसी क्षेत्र अंतर्गत 112 पर तैनात एक पुलिसकर्मी अपनी पत्नी को दवा दिलाने ले जा रहे थे। इसी दौरान तेज बरसात से हुए जलभराव की वजह से पुलिसकर्मी और उनकी पत्नी स्कूटर सहित गहरे नाले में गिर गए, जिसके बाद दोनों पति पत्नी को गंभीर चोटें आई। हम दवाई लेने आए थे, अब बारिश पड़ रही थी, काफी पानी भरा हुआ था, पता नहीं चल पा रही थी। अब एकदम से स्कूटी हम नाले में चली गई, अब दोनों लोग हम नाले में चले गए। क्या कहेंगे, किसकी लापरवाही मानते हैं? अब पता नहीं, अब ये किसके अंडर में आता हमें तो मालूम नहीं है। नगर निगम की लापरवाही है? नगर निगम की मानो। मैं अपनी वाइफ को यहाँ लेके आया था, जैसी बारिश हो रही थी तो यहाँ घोंटू घोंटू पानी भर रहा था। अब मैं यहाँ स्कूटी रोकने लगा, पता पड़ा नहीं कि यह नाला है, और स्कूटी पहले गई और हम दोनों भी नाले में चले गए। हम डूबने लगे, एक बार हम ऊपर आए, जैसे ही पानी में ऊपर आते हैं
लोग बाग यहाँ काफ़ी लोग खड़े थे बेचारे, उन लोगों ने काफ़ी मदद से मैंने ये स्लब पकड़ ली, घरवाली का हाथ पकड़ रखा था, लोग बाग टूट के पड़े, उन्होंने बेचारों ने मदद करके हमको निकाला। घटना ये हुई थी, बारिश का पानी भर गया था भैया, मशीन चली थी दो तीन दिन पहले, और नगर निगम वाले पत्थर उठा लेंगे, मिट्टी उठा लेंगे, उसमें दलदल बन गया, सुबह तीन गाड़ी फंस चुकी हैं, जिसमें हमें देखो हम भी घुस गए थे, इतने पेंट हमारी गाड़ी में सूख रही है, अंगूचे बांध के घूम रहे हैं। सुरक्षा कर्मी हैं आप यहाँ पे? नहीं, मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ। एम्बुलेंस चला जी, ड्राइवर हूँ मैं। अभी क्या घटना हुई थी, यहाँ कुछ लोग नाले में भी गिरे थे? नाले में एक दीवान जी और उनकी घरवाली गिरी थी यहाँ पर, छूटे वोटे भी आई। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में अग्निपथ योजना के विरोध में हुए बवाल के बाद थाना टप्पल पर पुलिस व जट्टारी चेयरमैन समेत कई लोगों ने थाने पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर दर्ज कराए। वहीं 500 के करीब अज्ञात दंगाइयों के खिलाफ भी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किए गए। देखिए, कल की घटना के उपरांत शांति व्यवस्था कायम कर ली गई थी, अभी भी कायम है। मौके पर हर जगह जो भी संवेदनशील स्थान है वहाँ पुलिस गश्त कर रही है। सभी स्थानों पर शांति बनी हुई है और अभी पुलिस कल की घटनाक्रम है उस पर विवेचना कर रही है। बहुत सारे लोगों को जो जिन्होंने विधि व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की है उनको गिरफ्तार किया गया है। 32 लोग गिरफ्त में हैं इस समय। सरकारी संपत्ति को जो क्षति पहुंचाई गई है उसमें दोषी लोगों का चिन्हांकन कुछ लोगों का कर लिया गया है, बाकी का किया जा रहा है। सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी डैमेज हुआ है उसकी वसूली भी इन्हीं से की जाएगी। देखिए, पुलिस की कल चूँकि शुक्रवार की नमाज थी उसको लेकर के अलीगढ़ शहर एक संवेदनशील रहा है, तो पुलिस की तैयारी शुक्रवार की जुमे की नमाज को लेकर भी थी और लड़कों के आंदोलन का भी इनपुट था, तो उसके हिसाब से एसपी रूरल के नेतृत्व में यहां पर टीम तैयार थी। उसके बाद एसएसपी भी यहां पर आ गए थे और लड़कों चूँकि ये लड़के थे, नई उम्र के लड़के थे, इनसे बातचीत करने का प्रयास डीएम और एसएसपी के द्वारा किया गया और उनको समझाया भी गया, लेकिन उसमें से कुछ अराजक तत्व ने लड़कों की आड़ में हिंसा भड़काने का काम किया और उस पर पुलिस ने कार्रवाई की और हम लोगों ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खबर बदायूं से है, जहां अग्निपथ आंदोलन करने आए 40 से 50 लोगों को पुलिस प्रशासन ने समझाकर घर लौटाया। वहीं कुछ लोगों को पुलिस लाइन में बैठाया, जिसके बाद जनपद के कस्बा उजहानी में डीएम दीपा रंजन और एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने आला अधिकारियों को लेकर निरीक्षण किया। जनपद बदायूं में अग्निपथ को लेकर के जो अलर्टनेस है उसके तहत हम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब और सभी अधिकारी लगातार मशीन हैं, उसी के क्रम में हम लोग रेलवे स्टेशन पे आए हैं और सवेरे कुछ लोग 60-70 लोग आए थे, उनको लड़के आए थे, उनको समझा बुझा करके डिस्पर्स कर दिया गया था। अभी कुछ 30-40 लड़के और आने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको पुलिस लाइन में बिठाया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर आगरा से है, जहां के पायल ज्वेलर्स लूट मामले में आगरा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने अपराधी के पास से 50,000 रुपए के साथ सोने चांदी के जेवरात और पिस्टल बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की। बता दें, सारा मामला आगरा के थाना सदर क्षेत्र का है। पायल ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े चोरी की लूट की घटना हुई थी और ये सनसनीखेज घटना थी। मेरे आईजी साहब द्वारा, मेरे द्वारा और एसपी सिटी साहब द्वारा और सभी अधिकारियों द्वारा वहाँ का घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और 2 लोगों द्वारा ये घटना कारित की गई थी। इस घटना में उस समय वादी द्वारा 2,30,000 रुपये और कुछ सोने या चांदी के जेवर ले जाना बताया गया था। इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इसमें 2 अभियुक्त जो ताजगंज और शाहगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और 50,000 रुपये लूटे हुए जो थे 50,000 रुपये बरामद हुए हैं। खबर आगरा से है, जहां अग्निपथ के विरोध के चलते जिला प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया और सेना भर्ती प्रशिक्षण देने वाले कोचिंग सेंटर बंद कराए। सेंटरों के सभी छात्रों को घर भेजा और कहा सेंटर दोबारा खुलने पर छात्रों को सूचना दी जाएगी। जब परसों काफ़ी लड़के यहाँ शहर में भी सेंटर हैं और देहात में भी सेंटर हैं, कब परसों जब काफ़ी लड़के शहरी क्षेत्र में जमा हो गए थे और उन्हें समझा बुझा कर वहाँ से हटाया गया था, उस समय जो कोचिंग सेंटर्स वाले थे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उनसे ये अनुरोध किया गया था कि अगले 2-3 दिन के लिए जब तक ये आंदोलन चल रहा है अपना कोचिंग सेंटर बंद रखें, क्योंकि लड़के वहाँ पर पढ़ने आएंगे, उसके बाद इकट्ठे होंगे और कहीं किसी के बहकावे में आ सकते हैं। तो उन्होंने हमारी सलाह को माना है और अपने कोचिंग सेंटर अगले 2-3 दिन के लिए उन्होंने बंद किए और जैसे ही स्थिति नॉर्मल हो जाएगी ये फिर अपने कोचिंग सेंटर दोबारा से चालू करेंगे।
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर के तहत पोखरों का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। इसी योजना के तहत पोखरों का सुंदरीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद रोजगार सेवक और सचिव ने मिलकर योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। दरअसल इस मामले में मनरेगा मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाना था, लेकिन ऐसा नाग पोखरे के सुंदरीकरण कार्य में मशीन का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे मामले में मुख्य विकास अधिकारी एसएन श्रीवास्तव ने कहा, उसको हम दिखाएंगे और उसके प्रति कार्यवाही की जाएगी। मानसरोवर योजना जो है, अनिल त्रिपाठी माननीय विधायक जी जो है मौके पे आए थे उद्घाटन करने के लिए। उसको जो है मनरेगा के तहत मजदूरों से काम कराना अनिवार्य था और मौके पे कई ट्रैक्टर से डोलू लगा कर खिंचाया गया, काम किया गया, जिसको पूरा गांव पूरा समाज देखा, हम नहीं पर पूरे समाज के लोग देखे और कई ट्रैक्टर थे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आई। इस पर कई शिकायत आती है, उसकी पुष्टि होती है तो समाधान किया जाए। खबर रायबरेली से है, जहां गरीब किसान के बेटे का नेक लेफ्टिनेंट पद पर चयन हुआ, जिसके बाद परिवार सहित क्षेत्रवासियों में खुशी का लहर दौड़ गया और लोगों ने इस मौके पर किसान के बेटे महेंद्र कुमार को ढेरों शुभकामनाएं दी। इस दौरान खास मौके प्राइम टीवी की टीम ने मौके पर पहुंचकर उनकी तैयारियों से लेकर लेफ्टिनेंट तक पहुंचने के सफर को जाना। कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपना पूरा करने का जुनून रखते हैं। जी आपको बता दूं, रायबरेली जनपद के सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरुद्दीनपुर का एक छोटा सा गांव है। यहां से एक गरीब परिवार का जो घर लड़का है वह निकलकर बाहर आया, क्योंकि आपको बता दूं कि नेवी में लेफ्टिनेंट कर्नल नेशनल के पद पर चयनित हुआ है, जिसका अभी भी 2 जुलाई से ट्रेनिंग पे जाना है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से गरीबी की हालत में देखते हैं, उनका जो घर था ये इनका पैतृक आवास है जो कि बाबा आजा के जमाने से बना पड़ा हुआ है। इसी में रहकर ये किस तरीके से तैयारियां की, इनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई होंगी, कितनी कठिनाइयां आने के बाद सामना किया होगा, आइए हम जानेंगे उन्हीं से, जो यहाँ पर ही छोटे से गांव के जो महेंद्र हैं, महेंद्र कुमार शर्मा हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे जो लाइफ है इनके यहाँ पर पहुँचने में कितनी कठिनाइयों का सामना उनसे करना पड़ा और किस तरीके से उबर कर बाहर आए हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है, मैं ग्राम सभा नरुद्दीनपुर तहसील सलोन का निवासी हूँ। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे परिवार वालों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और अब मुझे भावपूर्वक इस पर सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ है, जो कि मैं आगे यही पे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पूरा अपना 100% दे सकूँ। जब आपको पता चला कि आपको इस पद पर चयनित मिली है, चयनित हो चुके हैं, तो आपके अंदर क्या भाव थी? मेरे अंदर भाव ये था कि मैं समाज को एक नया दिशा दूंगा और ईमानदारी से वो हर एक चीज करूंगा जो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा और भ्रष्टाचार को एक तरीके से मुक्त कराऊंगा। अच्छा ठीक, एक चीज और बताइए, जैसे आपने पूरी तरह से तैयारियां की, काफी कठिनाइयों का सामना किया होगा, क्या आपका ये टारगेट था कि मैं नेवी पोस्ट पर जाऊंगा? बेसिकली मैं प्रिपेरेशन कर रहा था सिविल सर्विसेज की, आईएएस की, लेकिन मुझे मौका मिला देश की सेवा करने के लिए, तो ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि मैं देश के लिए काम आया। आप जो भी इस पोस्ट पहुंचे हैं इतने मेहनत करके, और उसके बाद आप जब आपका जो सिलेक्शन हुआ है उसको लेकर आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? आप ये जो आप बने हैं आज लेफ्टिनेंट, किसको श्रेय देना चाहेंगे, किसको? इसके लिए मैं पूर्ण रूप से श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है हमारे मुझे आज इस मुकाम पे बचाने के लिए। बाकी मेरे एक दो मित्र हैं जिन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा जीवन भर। अभी आपने देखा कि महेंद्र कुमार शर्मा ने किस तरह बताया कि कितनी कठिनाइयां भरी उनकी जिंदगी थी, और इसी के साथ आपको बता दूं कि उनके पिताजी बैठे हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा कि वो बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी मेहनत किए हैं और कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, जो कि एक छोटे से झोपड़ी में रहकर भी इतने ज्यादा सोच अच्छी रखने वाले जो युवक है, मैं उनसे बात करना चाहूँ। खुशी मुझे बहुत है कि जो बेटा देश के किसी काम में अगर आ जाए तो माँ बाप का तो गर्व से सीना उठता ही, सर ऊँचा हो ही जाता है। शुरू से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना? बहुत सारी दिक्कतें, इतनी दिक्कतें आई, हमको चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर बच्चे कामयाब हो जाए तो वही सबसे बड़ी चीज होती है। जैसा कि आपने देखा कि अभी भी इनके पिताजी खुशी कितना जाहिर कर रहे हैं, जीरो स्तर से लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका घर था, अब महेंद्र जी बताए हैं उनके पिताजी ने किस तरह किसानी करके लोन लेकर के और अपने बच्चे को पढ़ाए और आज यहाँ पर लेफ्टिनेंट नेवी लेफ्टिनेंट पर पद पर चयनित हुए हैं। अजय प्रताप सिंह, प्राइम टीवी, रायबरेली।
तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।